एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2012 दिसंबर का आपके मनोविज्ञान पेपर का प्रश्न पत्र नंबर 2। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि एक प्रयोग में, एक एक्सपेरिमेंट में प्रयोज्यों के समक्ष उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले क्या किया गया, जितने भी प्रयोज्य थे उनके सामने क्या किया गया, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण किया गया। ठीक है, उनके सामने स्टिमुलस शो किया गया। ठीक है, एक विशिष्ट क्रम में, कोई विशिष्ट ऑर्डर में उनके सामने प्रस्तुत किया गया, करने के बाद उनका क्रम भंग कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ऐसा लिखा था ए बी सी डी ई एफ, फिर बाद में क्या किया उन्होंने, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मेजरमेंट का टाइम आया, मापन के समय प्रयोज्यों को उन्हें प्रस्तुत किए गए क्रम में रखना था। अब उनसे क्या कहा गया कि आपको क्या करना है, वापस आपको इसी सेम ऑर्डर में इसको जमाना है। ठीक है, उनको कहा गया, बाद में चेंज करके क्या हुआ, ऑर्डर नंबर 2 ये था, ऑर्डर नंबर 1 ये था। ठीक है, अब उनको क्या कहा गया कि आपको फर्स्ट ऑर्डर जैसा आपको शो किया गया था सबसे पहले, सेम वैसे ही आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, इस प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है आपको अभिज्ञान, बी में दिया है पुनः अधिगम, सी में दिया है पुनः रचना और डी में दिया है स्मरण। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मरण तो किया कि किस प्रकार से रखा होगा, उसको रिकॉल तो किया, लेकिन इस प्रयोग का मेन उद्देश्य क्या था कि पुनः रचना। ठीक है, उनसे फिर से रचना करवानी है, किस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ लाइन से जमे हुए थे, ठीक से फिर से उन्हें उसी ऑर्डर में रखवाना था। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये जो चौथे नंबर का सवाल है, इसको आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हमारे साथ, प्रीवियस ईयर वीडियोज अगर आपने देखे हैं तो उसमें इसका आंसर बताया है ना, जाके आप वो वीडियो से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको इसका आंसर तो मालूम होगा ही। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है, यदि आपका शिक्षक, ये क्या बात हो रही है, यदि आपका शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए आपको लज्जित करता है। ठीक है, आप अपने टीचर से सवाल पूछते हैं, उसने क्या किया, आपको लज्जित कर दिया। ठीक है, आपको क्या दिया, एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिया कि आप क्यों पूछते हैं बार बार, तो यह कम संभावित है कि आप भविष्य में कक्षा में प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, कारण क्या दिया हुआ है इसका, नकारात्मक पुनर्बलन है ना, क्या करता है, व्यवहार की पुनः उपस्थिति को घटाता है। ओके, तो हम ये जानते हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सत्य है। ठीक है, तो जैसे ही आपको सी मालूम होता है, आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल गया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, व्यवहार की पुनः उपस्थिति को घटाता है, ऐसा नहीं होता है ना, परंतु आर असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है आपका, करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 5, यहां आपको दिए हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। ठीक है, आपको बताया है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के बारे में, और यहाँ पे आपको दिए हैं केंद्र बिंदु कि ये जो सिद्धांत है इनका केंद्र बिंदु कौन सा है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं आपके पास, व्यवहारवादी, मनोगतिक, जैविक और मानवतावादी, ये चार आपको सिद्धांत दिए हुए हैं, और इनके बारे में क्या बताया है, स्वधारणा, आदतें, बालपन, स्थिरीकरण और जीन्स का वंशानुगत होना। ओके, तो इस प्रश्न में जैसे ही आप देखते हैं आपको ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिखाई देता है, आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है जीन्स। ठीक है, जीन्स का वंशानुगत होना इस केंद्र बिंदु जो है किस सिद्धांत का है, ये सभी को मालूम है, ये है जैविक का। ठीक है, मतलब आर के साथ 4 मैच होगा, आर के साथ 4 कहां कहां पे मैच हो रहा है, एक ऑप्शन नंबर ए में एंड ऑप्शन नंबर सी में, इसका मतलब या तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है या फिर ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ओके, अब जो आप यहाँ पे अगली चीज देख रहे हैं आप, कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रश्न में सिमिलैरिटी, कि आपको क्यू के साथ 3 दिया हुआ है यहाँ पे भी एंड क्यू के साथ 3 दिया हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, इसका मतलब बालपन स्थिरीकरण किसका है, आपके मनोगतिक का है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही ऑलरेडी इनपुट है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि पी के साथ 1 जाएगा या फिर पी के साथ 2 जाएगा या फिर एस के साथ 2 जाएगा एंड एस के साथ 1 जाएगा। एस को पढ़ते हैं मानवतावादी रूप में और पी को पढ़ते हैं व्यवहारवादी के रूप में। ठीक है, इन दोनों में से थोड़ा सा इजी कौन सा है, हमारे लिए व्यवहारवादी थोड़ा सा इजी है ना। तो व्यवहारवादी के बारे में बात करें, व्यवहारवादी किसको देखेगा, आपकी आदतों को देखेगा। ठीक है, आपकी किसकी देखेगा, व्यवहारवादी जो है आपकी आदतों को देखेगा, ना कि आपकी स्वधारणा को। ठीक है, तो एस के साथ क्या जाएगा, एस के साथ जाएगा 1, यानी कि मानवतावादी जो पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है, स्वधारणा के बारे में कहता है। आपका जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो किसके बारे में कहता है, वो आपकी आदतों के बारे में कहता है। आपका जो बिहेवियर है ना, बिहेवियरिज्म किसके बारे में बताएगा, आपकी हैबिट्स किस प्रकार की है, आपकी आदतें किस प्रकार की है। ठीक है, जो मनोगतिक है ये क्या बताएगा, आपके बालपन स्थिरीकरण, आपके बचपन में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। एंड जैविक वाले किसकी बात करेंगे, आपके जीन्स के वंशानुगत होने की बात करेंगे, है ना। इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, पी के साथ 2, क्यू के साथ 3, आर के साथ 4 एंड एस के साथ 1। ऑलराइट, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया है प्रश्न नंबर 6 में,
कालानुक्रमिक आयु यानी कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज सीए, जैसे ही हमने सीए लिखा आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा आईक्यू का, ठीक है। तो कालानुक्रमिक आयु जो सर्वाधिक ठेठ रूप से निष्पादन के प्रदत्त स्तर के अनुरूप होती है क्या कहलाती है, ठीक है, या क्या वो बुद्धि लब्धि कहलाएगी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहलाएगी, क्या वो परिपक्वन कहलाएगी, मानसिक आयु कहलाएगी, या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानसिक आयु, ठीक है। तो आपकी जो मानसिक आयु है वो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है ना, सर्वाधिक ठेठ रूप से क्या करती है, निष्पादन के प्रदत्त स्तर के अनुरूप होती है, आप किस प्रकार का निष्पादन करेंगे उसके बारे में बताती है, वो क्या कहलाती है, आपकी मानसिक आयु कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ये कहता है सृजनात्मक सोच में है ना, आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग में अचेतन की भूमिका किस प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या होगा, सृजनात्मक सोच की बात हो रही है कि जब आप क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, ठीक है, जब आप एक बॉक्स को एक बॉक्स के रूप में ना देख के, ठीक है, कुछ अलग प्रकार से सोचेंगे इसको, है ना, तो क्या कहलाएगी, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कहलाएगी। उस समय जो आपका अचेतन है, ठीक है, आपका जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस है, अचेतन की भूमिका किस प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मायन, है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम इनक्यूबेशन, ठीक है, इनक्यूबेशन कहते हैं। जब क्या होता है, आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, है ना, तो आपकी जो अनकॉन्शियस की जो भूमिका है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम ऊष्मायन, ठीक है। ना ही ये सत्यापन है, ना ही प्रदीप्ति है, ना ही टीकाकरण है। ऑलराइट, तो 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मायन। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 8, ये कह रहा है कि कौन सा कारक खुशी आपकी हैप्पीनेस प्रसन्नता के साथ अधिक संबंधित नहीं है, ठीक है, ऐसा इन चारों में से कौन सा कारक है जो आपकी खुशी और प्रसन्नता के साथ संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। पहला है उच्च स्वप्रतिष्ठा, ये जरूरी है आपके खुश होने के लिए, है ना, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्वतः की प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। दूसरा कह रहा है शैक्षिक स्तर, तीसरा कह रहा है घनिष्ठ मित्रता या संतोषजनक विवाह, ठीक है, संतोषजनक विवाह सभी को करना है, ठीक है। ऑलराइट, और डी है आपका अर्थपूर्ण धार्मिक विश्वास, ठीक है। तो इसमें एक ही आपका ऑड आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक स्तर, ठीक है। तो कोई शैक्षिक स्तर के आधार पर हैप्पीनेस प्राप्त नहीं कर सकता, खुश नहीं हो सकता, ठीक है। अधिक मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि आपका अधिक संबंधित नहीं है, ठीक है, कुछ हद तक है, लेकिन आपकी जब स्वप्रतिष्ठा की बात आएगी, ठीक है, घनिष्ठ मित्रता की बात आएगी, या संतोषजनक विवाह की बात आएगी, या फिर आपके अर्थपूर्ण धार्मिक विश्वास की बात आएगी, इन सबसे नीचे ही है आपका शैक्षिक स्तर, ठीक है। इसलिए शैक्षिक स्तर जो है ये किसी भी रूप में आपसे क्या कहेगा, कि इसकी प्रसन्नता खुशी के साथ सीधा रिलेशन नहीं है, संबंधित नहीं है। ओके, अब यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 9, ये क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 कहता है गिलफोर्ड द्वारा, है ना, जेपी गिलफोर्ड द्वारा उत्पादों प्रोडक्ट्स का सही क्रम क्या है, ठीक है, उत्पाद क्या है आपके, प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इनका सही क्रम क्या है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप से जाके आपको एनसीईआरटी उठाना है, वहां पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि आप चाहे भले ही नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने ये चीजें छोड़ दी हैं, बेसिक चीजें, ये सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से उठने को देखने मिलता है, ठीक है, तो इस प्रकार का संतोषजनक व्यवहार, असंतोषजनक व्यवहार बिल्कुल ना करें, ठीक है। ओके, तो गिलफोर्ड द्वारा प्रोडक्ट का सही क्रम क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले हम इकाइयां देखते हैं, देन हम वर्ग देखते हैं, संबंध देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, रूपांतरण एंड निहितार्थ, ठीक है, बाकी सारे आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपके प्रश्न नंबर 9 का, ठीक है। गिलफोर्ड ने यही बताया है आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, और दो चीजें बताई हैं, वो क्या है, वो नीचे आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ऑलराइट, अब ये जो प्रश्न देखने वाले हैं, ये आपके यूपी पीजीटी में रिपीट हुआ है, ठीक है, यूपी पीजीटी में आया है, साथ ही साथ आपके यूजीसी नेट में भी कई दफे आया है। यहाँ यह पूछ रहा है समस्या समाधान की बाधा कौन सी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बाधा कौन सी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सभी को मालूम है अन्वेषणकारी स्वानुभावी की, ठीक है। आपकी मानसिक प्रवृत्ति बाधा कर सकती है, स्थायीकरण बाधा कर सकती है, पुष्टि पूर्वाग्रह बाधा कर सकती है, लेकिन आपकी जो ह्यूरिस्टिक्स है, ठीक है, जो हम जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से शॉर्टकट्स हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करेंगे, किसी प्रकार से भी आपको बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, ठीक है। तो अन्वेषणकारी स्वानुभावी की क्या है, ये बाधा कभी भी उत्पन्न नहीं करेगी। तो अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हमारे पीवाईक्यू के, तो उसमें भी ये बताया हुआ है कई दफे, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11,